नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़िया। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले युवराज सिंह ने विजय हजारे ट्रॉफी के नॉकआउट मुकाबले में रिजर्व डे न रखे जाने को लेकर बीसीसीआई पर जमकर निशाना साधा है। युवराज का ये बयान ऐसे समय में आया जब पंजाब की टीम को तमिलनाडु के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में बारिश के चलते बाहर होना पड़ा। युवराज ने बीसीसीआई पर तंज कसते हुए सवाल पूछा कि क्या उसके लिए घरेलू टूर्नामेंट महत्व नहीं रखते हैं। क्वार्टर फाइनल में तमिलनाडु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 39 ओवर में 6 विकेट पर 174 रन बना लिए थे। जवाब में पंजाब ने 12 ओवर तक 2 विकेट खोकर 52 रन बनाए थे और टीम मुकाबले में बनी हुई थी, मगर इसके बाद बारिश के चलते मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका और लीग में अधिक मैच जीतने के आधार पर तमिलनाडु को सेमीफाइनल का टिकट मिल गया। वहीं एक और अन्य क्वार्टर फाइनल में मुंबई और छत्तीसगढ़ का मैच भी बारिश के चलते पूरा नहीं हो सका। इस मैच में छत्तीसगढ़ को इसलिए सेमीफाइनल में प्रवेश दिया गया क्योंकि इसने लीग मैच में मुंबई को मात दी थी। युवराज सिंह ने ट्वीट में बीसीसीआई को टैग करते हुए कहा, विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु के खिलाफ पंजाब के लिए एक और दुर्भाग्यपूर्ण नतीजा रहा। एक बार फिर पंजाब की टीम जीत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन खराब मौसम के चलते मैच रद्द कर दिया गया। अंकों के आधार पर हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके। हमारे पास नॉकआउट के लिए रिजर्व डे क्यों नहीं है, या फिर ये घरेलू टूर्नामेंट है और बीसीसीआई के लिए इसका अधिक महत्व नहीं है।